केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। सुनवाई के 3 घंटे बाद कोर्ट ने फैसला दिया। राव जवनी अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा है कि केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी ने इस मामले में 10 की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन की रिमांड स्वीकृत की है। ईडी ने कोर्ट में कहा, इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है। गोवा चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया गया। ईडी के वकील ने केजरीवाल के वकील की उस दलील का विरोध किया जिसमें वो समन की वैधानिकता पर बात कर रहे हैं। ईडी के वकील ने कहा है कि रिमांड के मामले में समन की वैधानिकता पर बात नहीं की जा सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कल उन्हें राव जवनी कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। केजरीवाल ने कहा, चाहे जेल में रहूं या फिर बाहर रहूं, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि आज तक ईडी को आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ अपराध से अर्जित कोई पैसे नहीं मिले हैं। आज जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसे देश की जनता देख रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की। अभिषेक मनु सिंह भी बोले, केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी है।